नमस्कार डेचू चैनल पर आपका स्वागत है बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में अगले चौबीस घंटों से लगाकर आगामी एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम आज है 11 मार्च 2024 राज्य में अब लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो गई है मैंने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि दस मार्च के बाद में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तीन से लगाकर चार डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है आज भी न्यूनतम तापमान कई इलाकों पर पंद्रह डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गए हैं और आज ग्यारह मार्च से ग्यारह मार्च से लगाकर पंद्रह मार्च के बीच में दक्षिणी पूरी और दक्षिणी पश्चिमी जिलों पर अधिकतम तापमान पैंतीस से लगाकर अड़तीस डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना है और न्यूनतम तापमान बाईस से लगाकर चौबीस डिग्री के आसपास रिकॉर्ड होने की संभावना है राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग बादलों की आवाज़ के बीच में मौसम शुष्क बना रहा लेकिन मात्र कहीं कहीं बूंदाबांदी या बहुत सारे देखने को मिली है लेकिन आज ग्यारह और बारह मार्च के दौरान मौसम लगभग राजस्थान के संपूर्ण जिलों पर शुष्क बना रहेगा लेकिन 13 मार्च की सुबह की टाइम एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के जैसलमेर इलाकों पर कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है जोधपुर संभाग के केवल जैसलमेर शहर से लगाकर पाकिस्तान के छठवें भाग है कुछ रामगढ़ मोहनगढ़ के आसपास के भागों पर मात्र कहीं की बूंदाबांदी होने या बहुत गिरने की संभावना है खासकर बीकानेर संभाग के, के जिलों पर असर ज़्यादा रहेगा जो गंगानगर हनुमानगढ़ है कुछ अनूपगढ़ के भाग है कुछ बीकानेर के पश्चिमी भाग जो पाकिस्तान के सटे हुए भागों पर इन इलाकों पर इस सिस्टम का असर ज़्यादा रहेगा तेरह मार्च की सुबह से लगाकर शाम तक रहेगा लेकिन सप्दा मार्च से लगभग राजस्थान के संपूर्ण भागों पर एक बार मौसम शुष्क होगा सदा मार्च से लगाकर बीस मार्च के बीच में राज्य के ज्यादातर भागों में लगभग मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है लेकिन तेरह मार्च के दौरान जोधपुर बीकानेर अजमेर और उदयपुर कोटा संभाग के जिलों पर भी दक्षिण पश्चिम हवाएं रहेगी लेकिन जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों पर हुआ की रफ्तार लगभग तीस से लगाकर पैंतीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की संभावना है तो आज मौसम समाचार इतना ही जय हिंद जय राजस्थान जय भारत